Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्रोमैटोग्राफी इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्रोमैटोग्राफी किसे कहते हैं और क्रोमैटोग्राफी कितने टाइप की होती है, इस क्वेश्चन का क्लियर होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप किसी इंडस्ट्री की इंटरव्यू के लिए अपीयर कर रहे हैं. तो इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करेंगे कि क्रोमैटोग्राफी कितने टाइप की होती है और किस बेसिस पर क्रोमैटोग्राफी को क्लासिफाइड किया जाता है. क्रोमैटोग्राफी एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक होती है. सपोज कोई सैम्पल जो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स का मिलकर बना हुआ होता है, उन डिफरेंट कंपोनेंट्स को अगर आप आइसोलेट करना चाहते हैं तो आइसोलेशन के लिए एक सैम्पल से अलग अलग कंपोनेंट्स के आइसोलेशन के लिए जिस टेक्निक का यूज़ किया जाता है उसे क्रोमैटोग्राफी कहते हैं. क्रोमैटोग्राफी के मेन कंपोनेंट्स होते हैं मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, और साथ ही साथ स्टेशनरी फेज कहाँ पर स्टेबल, कहाँ किस जगह फिल्ड है. जैसे कॉलम क्रोमैटोग्राफी में कॉलम में रहता है स्टेशनरी फेज, और पेपर और थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी में वो प्लेनर सरफेस पर रहता है. तो स्टेशनरी फेज के बेसिस पर, मोबाइल फेज के बेसिस पर और साथ ही साथ प्रिंसिपल के बेसिस पर क्रोमैटोग्राफी डिफरेंट टाइप की हो जाती है. जैसे अगर देखा जाए प्रिंसिपल के बेसिस पर कि मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन कैसे है, मीन्स सैम्पल से जो मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट करना चाहते हैं उनका मैकेनिज्म क्या होगा सेपरेशन का, उसके बेसिस पर क्रोमैटोग्राफी डिफरेंट टाइप की हो जाती है. जैसे एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी, आयन एक्सचेंज या फिर साइज एक्सक्लूजन. आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी में आयन्स का एक्सचेंज होता है, रेजिन के साथ आयन्स अटैच रहते हैं जो कि सैम्पल, जो कि हमारा सैम्पल है जिसको हम आइसोलेट करना चाहते हैं, उसके आयन रेजिन के साथ अटैच्ड आयन को रिप्लेस करके वहाँ खुद से बाइंड हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी. साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी में जो प्योरीफिकेशन होता है वो साइज़ के बेसिस पर होता है. स्पेशली साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी या फिर इसको जेल परमिशन क्रोमैटोग्राफी भी बोलते हैं, ये जब कोई कॉन्जुगेट को आइसोलेट करना होता है उस टाइम पर यूज़ की जाती है. पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी का एग्जाम्पल है पेपर क्रोमैटोग्राफी. पेपर क्रोमैटोग्राफी जैसे कि मोबाइल फेज भी सॉल्वेंट होता है, बफर सॉल्यूशन रहता है, और स्टेशनरी फेज पेपर के ऊपर, पेपर पर जो वाटर के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होते हैं उसको स्टेशनरी फेज कहते हैं. तो पेपर क्रोमैटोग्राफी में जो सैम्पल होता है वो पार्टीशन, सैम्पल का पार्टीशन होता है लिक्विड मोबाइल फेज में और लिक्विड स्टेशनरी फेज में. स्टेशनरी फेज वाटर मॉलिक्यूल जो लिक्विड हैं, तो यहाँ पर सैम्पल सॉलिबिलिटी के बेसिस पर पार्टीशन शो करता है, तो वहाँ पर पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी का प्रिंसिपल अप्लाई होता है. नेक्स्ट एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी, जैसे कि एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी या फिर एचपीएलसी के केस में मॉलिक्यूल्स रेजिन पर एड्सॉर्ब हो जाते हैं, तो वहाँ पर एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी का प्रिंसिपल अप्लाई होता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल क्रोमैटोग्राफी एक डिफरेंट टाइप की हो जाती है. अगर मोबाइल फेज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो मोबाइल फेज दो तरह के होते हैं, या तो लिक्विड मोबाइल फेज होता है या गैस मोबाइल फेज होती है. सॉलिड मोबाइल फेज नहीं हो सकता है. तो लिक्विड, और एक होता है सुपर क्रिटिकल फ्लूड. सुपर क्रिटिकल फ्लूड किसे कहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. पहले देखते हैं कि मोबाइल लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, अगर कोई टर्म लिक्विड क्रोमैटोग्राफी आप कहीं पाते हैं तो लिक्विड क्रोमैटोग्राफी का मतलब है कि वहाँ पर मोबाइल फेज जो यूज़ हुआ है उस क्रोमैटोग्राफी में वो लिक्विड यूज़ हुआ है. तो इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं नॉर्मल फेज क्रोमैटोग्राफी या फिर रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन क्रोमैटोग्राफी, हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शन क्रोमैटोग्राफी, आयन एक्सचेंज, फास्ट प्रोटीन लिक्विड या फिर एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी. इन सब क्रोमैटोग्राफीज़ में लिक्विड एज अ मोबाइल फेज यूज़ किया जाता है, बफर सॉल्यूशन एज अ मोबाइल फेज यूज़ किया जाता है. हो सकता है एक दो नाम में हम मिस कर रही हूँ, लेकिन अगर कोई भी क्रोमैटोग्राफी आप जानते हो जिसमें मोबाइल फेज लिक्विड सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है तो वो इस कैटेगरी में फॉल होती है. गैस मोबाइल फेज यूज़ करते हैं गैस क्रोमैटोग्राफी के केस में, तो इसका एग्जांपल हो जाता है गैस क्रोमैटोग्राफी. और सुपर क्रिटिकल फ्लूड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ मोबाइल फेज यूज़ किया जाता है इस तरह की क्रोमैटोग्राफीज़ में.
इसी तरह से जैसे मोबाइल फेज के बेसिस पर क्रोमैटोग्राफी डिफरेंट टाइप की हुई, इसी तरह से स्टेशनरी फेज के बेसिस पर भी क्रोमैटोग्राफीज का डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। जैसे स्टेशनरी फेज लिक्विड हो सकता है या फिर सॉलिड हो सकता है, स्टेशनरी फेज गैस नहीं हो सकता है। तो लिक्विड स्टेशनरी फेज या सॉलिड स्टेशनरी फेज, इस तरह से स्टेशनरी फेज के बेसिस पर भी क्रोमैटोग्राफी क्लासिफाइड की जा सकती है। एक टाइप होता है कि बेस्ड ऑन शेप ऑफ क्रोमैटोग्राफिक बेड, मीन्स जो रेजिन है जो जिस पर सेपरेशन होता है कंपोनेंट्स का, वो रेजिन कहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे अगर वो रेजिन प्लेनर क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं, मीन्स क्रोमैटोग्राफिक बेड को दो तरीके का हो सकता है, प्लेनर क्रोमैटोग्राफी या फिर कॉलम क्रोमैटोग्राफी। प्लेनर क्रोमैटोग्राफी का मतलब है कि जो स्टेशनरी फेजेस जहाँ पर प्यूरिफिकेशन होना है वो प्लेन सरफेस पर है, जैसे कि पेपर क्रोमैटोग्राफी या फिर थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। पेपर क्रोमैटोग्राफी में पेपर पर वाटर मॉलिक्यूल्स या और थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी में सिलिका जेल जो रहता है वो ग्लास स्लाइड या एल्यूमिना पर होता है। उसके बाद कॉलम क्रोमैटोग्राफी जो होती है, कॉलम क्रोमैटोग्राफी मींस वो सब क्रोमैटोग्राफी इस कैटेगरी में आ जाते हैं जिसमें कॉलम यूज़ किया जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए, जैसे आयन एक्सचेंज, HPLC या फिर एफिनिटी या हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन। जिस भी क्रोमैटोग्राफी में कॉलम यूज़ किया जाता है वो इस क्रोमैटोग्राफी टाइप में फॉल हो जाते हैं कॉलम क्रोमैटोग्राफी में। कॉलम भी दो तरीके का हो सकता है, पैक्ड कॉलम होता है या फिर ट्यूबुलर कॉलम होता है। पैक्ड कॉलम जैसे HPLC या फिर आयन एक्सचेंज, और ट्यूबुलर कॉलम जैसे कि गैस क्रोमैटोग्राफी में ट्यूब यूज़ किया जाता है। तो ये था कि किस बेसिस पर क्रोमैटोग्राफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। एक बार सभी क्रोमैटोग्राफी टेक्निक्स की नेमिंग देख लेते हैं। अगर सभी क्रोमैटोग्राफी की नेमिंग देख ली जाए तो ये डिफरेंट टाइप की क्रोमैटोग्राफी बनती हैं, लेकिन ये सब क्रोमैटोग्राफी कहीं ना कहीं जो अभी हमने डिस्कस किया उसी कैटेगरी में फॉल होती है। जैसे नॉर्मल फेज क्रोमैटोग्राफी, रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी, ये जो क्रोमैटोग्राफी है इसमें कॉलम यूज़ होता है तो ये कॉलम क्रोमैटोग्राफी का पार्ट भी हो सकती है। और मोबाइल फेज जो लिक्विड मोबाइल फेज यूज़ किया जाता है तो ये लिक्विड क्रोमैटोग्राफी के टाइप्स में भी ये क्रोमैटोग्राफी काउंट की जा सकती है। तो इसी तरह से नॉर्मल फेज, रिवर्स फेज, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन क्रोमैटोग्राफी, शॉर्ट नेमिंग देखी जाए तो HIC, हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शन क्रोमैटोग्राफी, ये शॉर्ट नेमिंग हो जाती है इसकी। आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, फास्ट प्रोटीन लिगेंड क्रोमैटोग्राफी, ये लिक्विड क्रोमैटोग्राफी का टाइप हो जाता है। साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी, शॉर्ट फॉर्म SEC, इसको जेल परमिशन क्रोमैटोग्राफी भी कहा जाता है। एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी या फिर स्यूडो एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी एक टाइप हो जाता है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमैटोग्राफी, जिसमें जो मोबाइल फेज लिया जाता है वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एज अ CO2 एज अ मोबाइल फेज यूज़ की जाती है। गैस क्रोमैटोग्राफी, पायरोलिसिस गैस क्रोमैटोग्राफी, काउंटर करंट क्रोमैटोग्राफी CCC शॉर्ट फॉर्म काउंटर करंट क्रोमैटोग्राफी, पेपर क्रोमैटोग्राफी TLC एटसेट्रा। मीन्स अगर नेमिंग के बेसिस पर देखा जाए तो क्रोमैटोग्राफी डिफरेंट टाइप की हो जाती है, लेकिन अगर देखा जाए ये सब क्रोमैटोग्राफी टेक्निक्स जो अभी हमने डिस्कस किया कहीं ना कहीं उस कैटेगरी में फॉल होती हैं। आई होप यहाँ मैं आपको क्लियर रही होंगी। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ कन्फ्यूज़न हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।